नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा डीए 4% बढ़ा दिया गया है और अब डीए की जो रेट है वो 46% से बढ़कर 50% हो गई है। तो इस स्थिति में हमारे सामने एक सवाल बार बार आ रहा है कि डीए 50% होने पर कौन कौन से वेतन भत्ते हैं, सैलरी कंपोनेंट्स हैं जो परिवर्तित होंगे या उनमें भी कोई बढ़ोतरी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीए 50% से अधिक होने पर कौन कौन से वेतन भत्ते बढ़ जाएंगे और आपको कितना लाभ होने वाला है डीए 50% से अधिक होने पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों, 50% से अधिक डीए होने पर कौन कौन से अलाउंसेस यानी वेतन भत्ते बढ़ जाएंगे, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वेतन भत्तों में ये जो परिवर्तन होने वाला है वो डीए 50% होने पर होगा या फिर डीए के 50% से अधिक होने पर। तो ये जानने के लिए मैं आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के दो ऑर्डर्स दिखाऊंगा और उनकी लैंग्वेज से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि डीए 50% होने पर बाकी अलाउंसेज में वृद्धि होगी या फिर 50% से अधिक होने पर। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर। साथियों, स्क्रीन पर आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट का एचआरए का ऑर्डर है जो कि 31 जुलाई 2017 में जारी हुआ था, 7th पे के रिगार्डिंग, जिसमें एचआरए के बारे में डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पर जब आप इस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो लास्ट में एक लाइन दी हुई है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डीए कितना होने पर बाकी के अलाउंसेज में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 3 देखते हैं जिसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि डीए 25% क्रॉस करने और 50% क्रॉस करने पर ही एचआरए में परिवर्तन होगा। ये लैंग्वेज देखिए, द रेट्स ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज्ड टू 27%, 18% एंड 90% फॉर XYZ सिटीज रेस्पेक्टिवली व्हेन डीआरएस अलाउंसेस क्रॉसेस 25 एंड फर्दर रिवाइज्ड टू 30%, 20% एंड 10% व्हेन डीए क्रॉसेस 50%। यानी 50% की जो दर है वो क्रॉस होने पर ही बाकी के अलाउंसेज में भी वृद्धि होगी। डीए 50% होने पर नहीं होगी, डीए को 50% से ऊपर होना पड़ेगा तब जाके बाकी के अलाउंसेज में परिवर्तन होगा। ऐसा ही राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है, वो भी देख लेते हैं। साथियों, स्क्रीन पर आपके सामने राजस्थान गवर्नमेंट का एचआरए से रिलेटेड ऑर्डर दिखाई दे रहा है। इसमें लास्ट में दिया हुआ है, द रेट्स ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज्ड टू 18% एंड 9% फॉर YZ क्लास सिटीज रेस्पेक्टिवली व्हेन डीआरएस अलाउंसेस क्रॉसेस 25%, यानी 25% से अधिक होने पर, एंड फर्दर रिवाइज्ड टू 20% एंड 10% व्हेन डीआरएस अलाउंसेस क्रॉसेस 50%। तो वर्तमान में जो डीए की दर चल रही है वो है 50%। तो 50% दर होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा बाकी के सैलरी कंपोनेंट्स में, अलाउंसेज में। जब ये डीए 50% से अधिक हो जाएगा तब जाकर बाकी के अलाउंसेज में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल 1 जनवरी 2024 से डीए की रेट 4% बढ़ाकर 46% से 50% कर दी गई है। तो अब जब डीए इंक्रीज होगा, यानी जुलाई 2024 से ये डीए इंक्रीज होगा, तो तब जाकर बाकी के अलाउंसेज में परिवर्तन होगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि डीए 50% से अधिक होने पर कौन कौन से अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, कौन कौन से सैलरी कंपोनेंट्स हैं जो आपके बढ़ जाएंगे और उनसे आपको कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से अलाउंसेस आपके बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें जो अलाउंसेस बढ़ने वाले हैं, सैलरी कंपोनेंट्स बढ़ने वाले हैं, उनमें है, पहला है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है वो इंक्रीज हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस टू दिव्यांग चाइल्ड ये इंक्रीज हो जाएगा। स्पेशल अलाउंसेस फॉर
चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी। दिव्यांग महिला को जो चाइल्ड केयर के लिए अलाउंस मिलता है वो बढ़ जाएगा। हॉस्टल सब्सिडी की अमाउंट बढ़ जाएगी। ग्रेच्युटी सीलिंग थी वो इंक्रीज हो जाएगी। ड्रेस अलाउंस मिलता है एम्प्लॉयज को वो इंक्रीज हो जाएगा। टीए ऑन ट्रांसफर यानी ट्रांसफर होने पर अपनी सामग्री गुड्स को कैरी करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। माइलेज अलाउंस फॉर ऑन ट्रांसपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। डेली अलाउंसेज है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो आइए अब हम इनको वन बाई वन देख लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट में कितना परिवर्तन होने वाला है और अभी वो कितना मिल रहा है। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस रेंट अलाउंस की। अगर डीए 50% से अधिक होता है तो हाउस रेंट अलाउंस में कितना परिवर्तन होगा। तो साथियों जब डीए 50% से अधिक हो जाएगा तो हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ जाएगा। एक्स कैटेगरी सिटीज के लिए 1 जनवरी 2016 से 24% जो एचआरए था वो 25% डीए इंक्रीज होने पर 27% हो गया था और अब ये 30% हो जाएगा। ऐसे ही वाई श्रेणी की जो सिटीज हैं उनका वर्तमान में जो एचआरए चल रहा है वो 18% चल रहा है और वो अब इंक्रीज होकर 20% हो जाएगा। ऐसा ही जेड सिटीज के लिए 8% से बढ़कर 9% हो चुका था 25% डीए होने के बाद। इसके बाद एचआरए अब जो उनके लिए हो जाएगा 50% डीए क्रॉस होने के बाद वो हो जाएगा 10%। तो राजस्थान में वाई और जेड सिटी कैटेगरीज हैं तो यहाँ एचआरए की जो कैटेगरीज हो जाएगी वो 20% और 10% हो जाएगी। अगला अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस व्हेन डीए हिट्स 50% लेवल। तो यहाँ पर साथियों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी 25% बढ़ जाएगा जब डीए 50% से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जो प्रेजेंट रेट चल रही है वो है ₹2250 पर मंथ। ये 50% डीए होने के बाद 2812.5 रुपए पर मंथ हो जाएगा। तीसरा अलाउंस है जो परिवर्तित होने वाला है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू दिव्यांग चाइल्ड यानी विकलांग बच्चे के लिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था वो भी अब इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी 25% इंक्रीज हो जाएगा। वर्तमान में जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू दिव्यांग चाइल्ड की रेट है वो है 4500 पर मंथ, अब ये इंक्रीज होकर 5625 रुपए पर मंथ हो जाएगी। चौथा कंपोनेंट है जो इंक्रीज होने वाला है डीए 50% से अधिक होने पर वो है हॉस्टल सब्सिडी। हॉस्टल सब्सिडी भी वर्तमान रेट से 25% बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में हॉस्टल सब्सिडी मिल रही है 6750 रुपए पर मंथ एम्प्लॉयज को, अब वो डीए 50% से अधिक होने पर 8437.5 रुपए पर मंथ हो जाएगी अगर आपका डीए 50% से अधिक हो जाता है। पांचवा कंपोनेंट है स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी। दिव्यांग महिला को अपने बच्चे की देखभाल के लिए जो स्पेशल अलाउंस मिलता था वो भी 50% से अधिक डीए होने पर इंक्रीज हो जाएगा और उसमें इंक्रीमेंट होगा 25% का। तो यहाँ पर दिव्यांग महिला को चाइल्ड केयर के लिए जो स्पेशल अलाउंस मिलता है उसकी रेट है प्रेजेंट रेट है 3000 रुपए पर मंथ, अब ये बढ़कर 3750 रुपए यानी 3750 रुपए पर मंथ हो जाएगी। सिक्स अलाउंस है ग्रेच्युटी सीलिंग ₹20 लाख टू बी इंक्रीज आफ्टर 50% डीए। साथियों ग्रेच्युटी सीलिंग भी अपनी जो वर्तमान दर है 20 लाख रुपए उससे बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगी डीए 50% क्रॉस होने पर। सातवां अलाउंस है ड्रेस अलाउंस, वो भी बढ़ जाएगा अगर आपका डीए 50% से अधिक हो जाता है, तो उसमें 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। और नीचे दी गई टेबल के अकॉर्डिंग इनकी जो रेट्स है वो दी हुई है, अब इनमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। आठवां अलाउंस है टीए ऑन ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स। ट्रांसफर होने पर कर्मचारी अपने घरेलू सामग्री का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है उसकी जो वर्तमान रेट्स हैं उनमें भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। और यहाँ वर्तमान में जो करंट रेट्स चल रही है ट्रांसपोर्टेशन रेट्स वो दी हुई है, उनमें 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप स्क्रीन पर इन्हें देख सकते हैं। नाइन्थ जो कंपोनेंट है इंक्रीज होने वाला वो है माइलेज अलाउंस फॉर
ऑन ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर 50% डीए इंक्रीज। तो यहां पर देखिए साथियों, जिन जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है उस स्थिति में एम्प्लॉई अपना स्वयं का ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है और उसकी जो रेट्स है वो भी 25% बढ़ जाएगी। वर्तमान में जो रेट्स चल रही है वो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनमें भी 25% की बढ़ोतरी और हो जाएगी। 10th नंबर पर है कुछ डेली अलाउंसेज। जब आप ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ अलाउंसेज मिलते हैं, उनमें भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। उनमें मेन जो अलाउंसेज है वो है रिइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस, रिइंबर्समेंट ऑफ ट्रेवलिंग चार्जेस एंड रिइंबर्समेंट ऑफ फूड चार्जेस, ये भी 25% की दर से बढ़ जाएंगे। स्क्रीन पर इनकी जो करंट रेट्स है वो शो हो रही है, इनमें इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो रिइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर लेवल 8 से ऊपर वाले जितने भी एम्प्लॉयज है उनकी जो रेट्स है वो 25% बढ़ जाएगी। रिइंबर्समेंट ऑफ ट्रेवलिंग चार्जेस ये भी 25% बढ़ जाएगी। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, उनमें 25% इंक्रीमेंट लग जाएगा। आगे हम बात करें फूड चार्जेस की, तो इनका रिइंबर्समेंट होता है लमसम में, इनकी कोई फिक्स रेट नहीं है। यहाँ पर 7th पे कमीशन द्वारा कहा गया है कि जो फूड चार्जेज है उनके लिए 9 वाउचर विल बी रिक्वायर्ड, यानी इनकी कोई फिक्स राशि नहीं बताई हुई है। तो जो अमाउंट आप क्लेम करते हैं वो लमसम अमाउंट रहती है और जो आपके DDOs होते हैं वो इसको पास करते हैं, तो उस अमाउंट में भी 25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर DA 50% से अधिक हो जाता है। तो साथियों, ये 10 अलाउंसेज आपके बढ़ जाएंगे अगर आपका DA 50% से अधिक हो जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। वीडियो या चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।